9 अगस्त को आष्टा शंकर मंदिर से विशाल कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। आयोजक भीम सिंह ठाकुर, पप्पू टाक्टर और यात्रा प्रभारी धीरज नागराज ने शंकर मंदिर पहुंचकर शिव शंकर और मां पार्वती को पत्र देकर आमंत्रित किया। वही शंकर का जलाभिषेक मां पार्वती के जल से किया जाएगा। क्षेत्र के लोगों से आयोजक समिति ने कावड़ एवं कलश यात्रा में शामिल होने और सफल बनाने की अपील की। न्यूज इंडिया NIN से क्राइम रिपोर्टर राज बुराना की रिपोर्ट। माँ पार्वती के तट से जल भरकर सुबह 9 बजे 9 अगस्त दिन शुक्रवार को प्रारंभ करेंगे, जो अलीपुर पगारिया घाटी और डोडी होते हुए दरखेड़ा पर रात्रि विश्राम होगा, जहां पर भंडारा भी रखा गया है। और 10 तारीख को सुबह दरखेड़ा से श्री राम मंदिर से ये यात्रा पुनः प्रारंभ होगी, जो जावर जोड़ होते हुए महतवाड़ा और भानाखेरी बिलपान होते हुए देवांचल धाम देवबल्ला पर भगवान बिल्वेश्वर महादेव का जलाभिषेक करके पूजा अर्चना करके और प्रसाद वितरण करने के बाद 10 तारीख दिन शनिवार को संपन्न होगी।